नमस्ते दोस्तों, मोटरबीम हिंदी में आपका स्वागत है। इंडिया का जो फोर व्हीलर मार्केट है वो काफ़ी लाजवाब है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स मिलते हैं और हर एक सेगमेंट में आपको इतने सारे ऑफरिंग्स मिलते हैं कि कस्टमर्स भी बहुत बार कन्फ्यूज रहते हैं कि उन्हें कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। इन्हीं सब सेगमेंट्स में एक सेगमेंट है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट, यानी कि सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट। हाँ, ये सेगमेंट तो काफ़ी सालों से है, लेकिन हुंडई का कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था अब तक ये सेगमेंट में। कुछ ही दिनों पहले हुंडई ने मार्केट में उतारी है अपनी वेन्यू और ये गाड़ी कम्पीट करती है मारुति विटारो रेज़ा, फोर्ड इकोस्पोर्ट, टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा XUV 300 के साथ। तो आज इस वीडियो में हम हुंडई वेन्यू को उसकी राइवल्स के साथ कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको अगर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी है तो कौन सी लेनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मोटरबीम हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी सबसे फेवरेट कॉम्पैक्ट एसयूवी कौन सी है। जब हम इन गाड़ियों की साइज़ की बात करें तो हाँ, ये पांचों कॉम्पैक्ट एसयूवी काफ़ी सिमिलर है साइज़ में, क्योंकि ये सब 4 मीटर है तो पांचों गाड़ियों की लेंथ मोर और लेस सिमिलर है। जब हम विड्थ की बात करें तो फोर्ड इकोस्पोर्ट की विड्थ सबसे ज़्यादा कम है और महिंद्रा XUV 300 सबसे ज़्यादा वाइड है ये सेगमेंट में। हाइट के मामले में सबसे ऊंची गाड़ी है फोर्ड इकोस्पोर्ट और उसके तुरंत बाद आती है मारुति की विटारा ब्रेज़ा। हुंडई वेन्यू की हाइट सबसे कम है ये सेगमेंट में। जहाँ तक व्हील बेस की बात जाती है तो आपको महिंद्रा XUV की 300 में सबसे ज़्यादा व्हील बेस मिलता है। ये गाड़ियों में आपको 16 या 17 इंच के टायर्स मिलते हैं, यानी कि XUV 300 और फोर्ड इकोस्पोर्ट में आपको 17 इंच के टायर्स मिलेंगे टॉप वेरिएंट्स में, और बाकी जो राइवल्स है यानी कि वेन्यू, विटारो ब्रेज़ा और नेक्सॉन, ये तीनों गाड़ियों में आपको 16 इंच के टायर्स मिलेंगे। अगर आप इन गाड़ियों का ग्राउंड क्लियरेंस जानना चाहते हैं तो टाटा नेक्सॉन का ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज़्यादा है, यानी कि 209 मिलीमीटर, और इस सेगमेंट में सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस है महिंद्रा की XUV 300 का, यानी कि 180 मिलीमीटर। इन पांचों गाड़ियों में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तो मिलते ही है, लेकिन इकोस्पोर्ट में आपको HID प्रोजेक्टर्स मिलते हैं और बाकी गाड़ियों में आपको मिलते हैं हैलोजन प्रोजेक्टर्स। कस्टमर्स को बहुत अच्छा लगता है जब कोई गाड़ी में सनरूफ आता है, तो अगर आप इस सेगमेंट में कोई सनरूफ वाली गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो आपको मिलेगा वो फोर्ड इकोस्पोर्ट, महिंद्रा XUV 300 और हुंडई वेन्यू में। जब हम इंटीरियर्स की बात करें तो आपको पांचों गाड़ियों में बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। हाँ, कुछ कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कोई कोई गाड़ी में है, कोई कोई गाड़ी में नहीं है, लेकिन मोर और लेस जो कॉमन फीचर्स हैं वो बहुत सारे हैं। अगर हम इंटीरियर्स के क्वालिटी की बात करें, यानी कि बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश की बात करें, तो ये सबसे अच्छा है महिंद्रा XUV 300, हुंडई वेन्यू और फोर्ड इकोस्पोर्ट में। टाटा नेक्सॉन के इंटीरियर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें कई कई जगहों पर आपको रफ एजेस मिलते हैं और इंटीरियर की क्वालिटी कुछ जगहों पर थोड़ी सी नीचे लगती है। मारुति विटारो ब्रेज़ा का इंटीरियर भी काफ़ी बेसिक है और यूटिलिटी के मामले में अच्छा है, लेकिन ज़्यादा स्टाइलिश और सोफिस्टिकेटेड नहीं लगता। इकोस्पोर्ट के डैशबोर्ड के डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, एर्गोनॉमिक्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन महिंद्रा XUV 300 में भी आपको वही सेम अच्छी फील मिलती है। हुंडई वेन्यू के डैशबोर्ड की डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है और काफ़ी यूजर फ्रेंडली है। इन पांचों गाड़ियों में आपको डैशबोर्ड और डोर पैड्स पे हार्ड प्लास्टिक ज़रूर मिलेंगे, लेकिन जो फिट एंड फिनिश की क्वालिटी है वो अच्छी है वेन्यू, इकोस्पोर्ट और XUV 300 में। इन पांचों गाड़ियों में जो फ्रंट सीट्स है वो काफ़ी कंफर्टेबल और सपोर्टिव है। नेक्सॉन की जो सीट्स है उसमें कुशनिंग बहुत अच्छा है, लॉन्ग ड्राइव्स के लिए वेल सूटेड है, उसमें आपको थकावट भी इतनी नहीं होती। साथ ही साथ इकोस्पोर्ट और XUV 300 की सीट्स भी बहुत अच्छी है कंफर्ट के मामले में। वेन्यू की सीट भी बुरी नहीं है, फ्रंट सीट में आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट और बोलस्ट्रिंग मिलता है, लेकिन विटारो ब्रेज़ा की जो सीट है वो थोड़ी कम लगती है सपोर्ट के मामले में। जब हम पीछे की सीट की बात करें तो विटारो ब्रेज़ा में आपको ज़्यादा स्पेस मिलती है, इसमें 5 लोग आराम से बैठ जाते हैं। अगर आप 5 लोग को नेक्सॉन में फिट करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइट हो जाएगा, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि नेक्सॉन में सिर्फ 4 लोग बैठे और शायद एक बच्चा बैठ जाए बीच में।
EcoSport और Venue भी सिमिलर है इस मामले में। ये गाड़ियाँ ज़्यादा 4 सीटर है ना कि 5 सीटर। XUV300 की स्पेस भी डिसेंट है। ऑब्वियसली आप कॉम्पैक्ट SUV ले रहे हैं तो आपको रोड ट्रिप्स पे जाना होगा, छुट्टियों पे जाना होगा, तो आपको बूट स्पेस जाना होगा इन गाड़ियों का। सबसे कम बूट स्पेस आपको मिलती है महिंद्रा XUV300 में जो कि है 257 लीटर्स। हुंडई वेन्यू और फोर्ड EcoSport में आपको सेम बूट स्पेस मिलती है 350 लीटर्स की, और मारुति की विटारा ब्रेज़ा में आपको मिलती है 328 लीटर्स की बूट स्पेस। क्योंकि ये गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स आते हैं तो मैं आपको सिर्फ उन्हीं फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो वो गाड़ियों को स्टैंड आउट करवाते हैं। तो हम शुरू करेंगे हुंडई वेन्यू से। हुंडई वेन्यू में आपको मिलती है ब्लूलिंक कनेक्टिविटी। ये फीचर्स है, आप अपने फ़ोन को अपनी गाड़ी से कनेक्ट कर सकते हैं और रिमोटली बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आप गाड़ी को स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं, AC को ऑन या ऑफ कर सकते हैं और गाड़ी के बारे में बहुत सारी जानकारी भी पा सकते हैं। ये फीचर फर्स्ट इन सेगमेंट में है और ये सेगमेंट में और कोई गाड़ी में नहीं आता। अब हम बात करेंगे महिंद्रा XUV300 के बारे में। हाँ, ये गाड़ी में भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो और कोई राइवल्स में नहीं आते, जैसे कि ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और हीटेड रियर व्यू मिरर्स। अगर हम EcoSport, विटारा ब्रेज़ा और नेक्सॉन को कंपेयर करें तो इन तीनों गाड़ियों के फीचर लिस्ट मोर और लेस सिमिलर है, लेकिन नेक्सॉन में आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स और ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं मिलते। इन सभी गाड़ियों में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट मिलते हैं और फ्रंट एंड रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिलते हैं। साथ ही साथ आपको स्प्लिट एंड फोल्डिंग रियर सीट्स भी मिलती है। तो इन सभी गाड़ियों में आपको एक टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम जरूर मिलता है, लेकिन वेन्यू और EcoSport में आपको एक 8-inch यूनिट मिलता है। टाटा नेक्सॉन में सबसे छोटा टच स्क्रीन है वो है 6.5 इंच का, और विटारा ब्रेज़ा और XUV300 में आपको 7 इंच का यूनिट मिलता है। कई फीचर्स जैसे कि ब्लूटूथ स्ट्रीमिंग, USB, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और नेविगेशन सभी गाड़ियों में अवेलेबल है, लेकिन हुंडई वेन्यू में आपको एक वायरलेस चार्जिंग का फीचर भी मिलता है। साथ ही साथ इन सभी गाड़ियों में आपको स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं और वॉइस कमांड्स भी मिलते हैं। बात करेंगे ये कॉम्पैक्ट SUVs के पेट्रोल इंजन के बारे में। तो विटारा ब्रेज़ा में तो आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता, तो ये गाड़ी अभी के लिए हम साइड में रखते हैं और बाकी की चारों गाड़ियों को कंपेयर करते हैं। XUV300 और टाटा नेक्सॉन में आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलते हैं, लेकिन EcoSport और वेन्यू में आपको दो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलते हैं। EcoSport में आपको मिलता है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड यूनिट या फिर एक 1 लीटर EcoBoost टर्बो पेट्रोल यूनिट। इन कंपैरिजन वेन्यू में आपको मिलता है 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड यूनिट जो कि i20 वाला ही इंजन है, और एक आपको नया इंजन मिलता है जो है 1 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल यूनिट। अगर हम इन इंजन की परफॉर्मेंस की बात करें तो टाटा नेक्सॉन का जो पेट्रोल इंजन है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन उसकी जो ट्यूनिंग है वो इतनी खास नहीं है। इसी ट्यूनिंग की वजह से उसकी ड्राइवेबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है अपने राइवल्स जैसी, और हमें लगता है कि ये इंजन की ट्यूनिंग और थोड़ी अच्छी हो सकती थी। XUV300 का पेट्रोल इंजन वैसे काफ़ी अच्छा है, अच्छी परफॉर्मेंस भी देता है, लेकिन जब हम वेन्यू और EcoSport से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली EcoSport का EcoBoost इंजन जो है वो सबसे बेस्ट फील होता है ये सेगमेंट में। वेन्यू का जो नया इंजन है जो टर्बो GDI यूनिट है वो भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन उसमें टर्बो लैग बहुत ज़्यादा है। वेन्यू का जो 1.2 लीटर इंजन है वो वही सेम यूनिट है जो i20 में आता है, और ये इंजन इतना दमदार नहीं है परफॉर्मेंस में, काफ़ी आरामदायक चलता है और सिटी ड्राइविंग के लिए ठीक है, लेकिन हाईवे पे आपको पावर की कमी ज़रूर महसूस होती है। EcoSport में आपको जो नया इंजन मिलता है जो है 1.5 लीटर ड्रैगन यूनिट, वो इंजन अच्छा है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन EcoBoost ज़्यादा फन टू ड्राइव फील होता है। ये सेगमेंट में सबसे पावरफुल पेट्रोल इंजन फोर्ड EcoSport के दोनों यूनिट्स हैं। EcoSport के बाद आता है हुंडई वेन्यू का टर्बो GDI यूनिट, उसके बाद आता है XUV300 और टाटा नेक्सॉन के टर्बो पेट्रोल यूनिट्स। हुंडई वेन्यू का जो 1.2 लीटर इंजन है वो सबसे कम पावर प्रोड्यूस करता है ये सेगमेंट में, लेकिन टॉर्क के मामले में महिंद्रा की XUV300 सबसे आगे निकल जाती है। इसमें 200 Nm का टॉर्क है जो बाकी राइवल्स से बहुत ज़्यादा है। वेन्यू टर्बो पेट्रोल, EcoSport, EcoBoost और नेक्सॉन में आपको करीबन 170 Nm का टॉर्क मिलता है, लेकिन वेन्यू की जो 1.2 लीटर वेरिएंट है उसमें आपको सिर्फ 115 Nm का टॉर्क मिलता है। जहाँ तक पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट्स के माइलेज की बात होती है तो आपको सबसे अच्छी माइलेज हुंडई वेन्यू में मिलेगी, और उसके तुरंत बाद आती है फोर्ड EcoSport। लेकिन नेक्सॉन और XUV300 ज़्यादा पीछे नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी अभी काफ़ी डिसेंट माइलेज देती है।
अगर आप बेटर ऑटोमेटिक की बात करें तो ये ऑप्शन आपको XUV300 में नहीं मिलता, लेकिन नेक्सॉन में आपको एक AMT यूनिट मिलता है। हाँ, ये AMD इतना स्मूथ नहीं है जैसे कि EcoSport का टॉर्क कन्वर्टर और वेन्यू का DCT है, लेकिन ये काम चला लेता है। अगर सबसे बेस्ट ऑटोमेटिक हो ये सेगमेंट में तो ऑब्वियसली वो वेन्यू का DCT गियरबॉक्स है। अगर हम पेट्रोल ऑटोमेटिक के माइलेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा माइलेज आपको मिलेगी हुंडई वेन्यू के ऑटोमेटिक वेरियंट में, उसके बाद आती है नेक्सॉन और लास्ट आती है EcoSport की ऑटोमेटिक वेरियंट। तो ये तो हो गए पेट्रोल इंजन्स की बात, लेकिन अब हम बात करेंगे डीजल इंजन्स के बारे में। इसमें Vitara भी शामिल होती है। आपको XUV300, EcoSport और नेक्सॉन में 1.5 लीटर डीजल इंजन्स मिलते हैं, लेकिन वेन्यू में आपको 1.4 लीटर यूनिट मिलता है और ये भी वही सेम इंजन है जो i20 के डीजल वेरिएंट्स में भी आता है। अगर हम Vitara के डीजल इंजन की बात करें तो वो सबसे छोटा इंजन है 1.3 लीटर का। जहाँ तक डीजल इंजन के पावर की बात होती है तो XUV300 का जो डीजल इंजन है वो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। टॉर्क के मामले में भी ये इंजन 300 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो राइवल से बहुत ज़्यादा है। XUV300 के तुरंत बाद आता है टाटा नेक्सॉन का इंजन और ये प्रोड्यूस करता है 110 हॉर्स पावर और 260 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। जहाँ तक डीजल इंजन के परफॉर्मेंस की बात होती है तो XUV, EcoSport और नेक्सॉन काफ़ी दमदार और पावरफुल लगती है। ये काफ़ी पंची ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी ऑफर करती है। हाँ, इन गाड़ियों में टर्बोलैग थोड़ा ज़रूर है, लेकिन जब टर्बोलैग खत्म होता है तो ये गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी तरीके से स्पीड पकड़ती है। इन कंपैरिजन Vitara के डीजल इंजन में बहुत ज़्यादा टर्बोलैग फील होता है और सेगमेंट का सबसे पुराना इंजन भी यही है। Vitara का मिड रेंज काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये इंजन सबसे ज़्यादा नॉइजी भी है। अगर हम Hyundai Venue के डीजल इंजन की बात करें तो इसमें भी काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस है, हाँ, लेकिन उतना पंची नहीं है जितना नेक्सॉन, EcoSport और XUV का इंजन लगता है। अगर हम डीजल मैनुअल की बात करें तो आपको EcoSport और Brezza में 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है और बाकी की तीन गाड़ियों में आपको 6 स्पीड मैनुअल मिलता है। इन सभी गाड़ियों में Hyundai Venue का मैनुअल गियरबॉक्स सबसे बेस्ट फील होता है। ये काफ़ी स्मूथ और ईजी है अपने ऑपरेशंस में। टाटा नेक्सॉन का गियरबॉक्स भी अच्छा है, लेकिन उसके जो थ्रोज है वो थोड़े लंबे और नॉची फील होते हैं। इन कंपैरिजन Vitara के गियर शिफ्ट्स काफ़ी शॉर्ट है। XUV300 के गियर शिफ्ट्स भी स्मूथ है, लेकिन उसके थ्रो भी बहुत ज़्यादा लंबे। जहाँ तक क्लच की बात होती है तो इन सारी गाड़ियों की क्लच काफ़ी लाइट है वैसे, लेकिन EcoSport की क्लच थोड़ी हैवी फील होती है। अगर आप डीजल ऑटोमेटिक के बारे में जानना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको सिर्फ Vitara और नेक्सॉन में मिलता है और दोनों गाड़ियों में आपको सिर्फ एक AMT गियरबॉक्स मिलता है। जहाँ तक ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात होती है तो हमें Brezza के AMT नेक्सॉन के AMT से ज़्यादा अच्छा फील हुआ। माइलेज के मामले में ये सारी गाड़ी आपको बहुत अच्छा माइलेज देगी और हाईवेज पे आपको 18 से 20 का माइलेज तो आराम से मिल ही जाएगा। अगर आपको सबसे बेस्ट माइलेज चाहिए तो आपको मिल जाएगा Vitara में और इसके तुरंत बाद आती है Venue, फिर EcoSport, फिर नेक्सॉन और लास्ट में आती है XUV300। डीजल ऑटोमेटिक के मामले में भी Vitara का माइलेज नेक्सॉन AMT से ज़्यादा बेहतर है। ये सेगमेंट में आपको सिर्फ टाटा नेक्सॉन अलग अलग ड्राइविंग मोड्स ऑफर करती है, जैसे कि सिटी, स्पोर्ट और इको। तो ये जो ड्राइविंग मोड्स है वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करते हैं। अगर आप इको मोड में चलाते हैं तो आपको बहुत अच्छी माइलेज मिलती है, लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाती है। हमें लगता है सिटी मोड सबसे बेहतर है क्योंकि आपको परफॉर्मेंस भी देगा और अच्छी माइलेज भी देगा। अगर आप स्पोर्ट्स मोड में चलाते हैं तो इंजन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव फील होता है, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी गिर जाती है। तो ये हो गए इंजन्स के बाद, लेकिन आपको जानना होगा कि गाड़ी कौन सी ज़्यादा अच्छी है चलाने में और कौन सी ज़्यादा कम्फर्टेबल भी है। तो पहले हम बात करेंगे राइड क्वालिटी की, और बेशक टाटा नेक्सॉन की राइड सबसे बेस्ट है ये सेगमेंट में। टाटा नेक्सॉन का जो सस्पेंशन है वो बहुत अच्छी तरीके से ट्यून किया गया है और बहुत कंफर्टेबल राइड ऑफर करता है अपने पैसेंजर्स को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी राइवल्स की राइड बुरी है, क्योंकि Venue और XUV300 भी बहुत बेहतरीन राइड ऑफर करती है। जब आप हाई स्पीड्स पे चलाते हैं तो Venue की राइड आपको थोड़ी स्टिफ लगेगी और थोड़ी बाउंसी मूवमेंट होगी, लेकिन EcoSport की जो राइड है वो हमेशा से थोड़ी स्टिफर साइड पे रही है, क्योंकि वो हैंडलिंग के मामले में EcoSport सबसे बेहतर है। Vitara की जो राइड है वो भी काफ़ी स्टिफ है, क्योंकि उसके सस्पेंशन का सेटअप वैसे किया गया है। हैंडलिंग के मामले में फोर्ड EcoSport सबसे बेस्ट है सेगमेंट में। उसका जो स्टीयरिंग है, उसकी जो फील और फीडबैक है, वो कोई राइवल बीट नहीं कर सकती। अगर हम दूसरी गाड़ियों की बात करें तो टाटा नेक्सॉन का स्टीयरिंग है वो भी हाई स्पीड्स पे काफ़ी वे अप हो जाता है, लेकिन उसमें जो फीडबैक है वो थोड़ी कम लगती है हमें। Vitara का स्टीयरिंग भी काफ़ी अच्छी फीडबैक देता है, लेकिन हाई स्पीड पे कभी कभी लाइफलेस फील होता है। Venue का स्टीयरिंग वैसे काफ़ी लाइट है सिटीज़ में, लेकिन हाईवे पे वे अप हो जाता है पर फीडबैक नहीं देता। ये सेगमेंट में XUV300 एक अकेली गाड़ी है जिसमें आपको स्टीयरिंग मोड्स मिलते हैं, जैसे कि कम्फर्ट और स्पोर्ट, और ये आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जहाँ तक बॉडी रोल की बात होती है तो ये सभी गाड़ियों में थोड़ा थोड़ा बॉडी रोल ऑब्वियसली फील होता है, क्योंकि इनकी हाइट ज़्यादा है, लेकिन आपको उतना बॉडी रोल नहीं मिलता जितना फुल साइज़ SUVs में होता है। अगर आप गाड़ी को कॉर्नरिंग ले जाना चाहते हैं तो EcoSport आपको सबसे स्टेबल फील होगी।
नेक्सॉन की हैंडलिंग भी वैसे काफ़ी अच्छी है, उसके जो टायर्स है उसमें ग्रिप बहुत बढ़िया है। अगर आप सेफ्टी के मामले में ये गाड़ियों को देखें तो आपको हर एक गाड़ियों में अलग अलग सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। आपको नेक्सॉन और विटा ब्रेज़ा में सिर्फ दो एयरबैग्स मिलते हैं हर एक वेरिएंट पे, लेकिन इकोस्पोर्ट और वेन्यू के टॉप वेरिएंट्स में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। लेकिन XUV 300 की जो गेम है वो अलग लेवल पे है, क्योंकि उसके टॉप वेरिएंट में आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं। ABS विद EBD हर एक गाड़ी में स्टैंडर्ड है और आपको ब्रेक असिस्ट भी मिलता है नेक्सॉन और विटा ब्रेज़ा के अलावा बाकी 3 गाड़ियों में। वेन्यू, XUV 300 और इकोस्पोर्ट में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिलता है और साथ ही साथ हिल स्टार्ट असिस्ट भी आता है। इन सभी गाड़ियों में आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स ज़रूर मिलेंगे। नेक्सॉन में भले ही कम एयरबैग्स हो, लेकिन आपको पता होगा कि रिसेंटली ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में नेक्सॉन को 5 स्टार की रेटिंग मिली और विटा ब्रेज़ा को 4 स्टार रेटिंग मिली। जहाँ तक प्राइसिंग की बात है तो ये सेगमेंट में सबसे सस्ती है टाटा नेक्सॉन और इसकी प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके तुरंत बाद आती है मारुति की विटा ब्रेज़ा और हुंडई की वेन्यू। सेगमेंट की सबसे महंगी गाड़ियाँ है महिंद्रा की XUV 300 और फोर्ड इकोस्पोर्ट। तो ये सब जानने के बाद आप हमें पूछेंगे कि फाइनली इन 5 गाड़ियों में से कौन सी खरीदनी चाहिए। तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि हर एक यूज़र की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपनी गाड़ी लेनी चाहिए। अगर आपको पेट्रोल मैनुअल चाहिए तो हुंडई की वेन्यू ज़रूर खरीदिए। ये गाड़ी एक आपको ओवरऑल अच्छा पैकेज ऑफर करती है, इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं, लुक्स अच्छी है और मार्केट में ये लेटेस्ट गाड़ी भी है। अगर आप वेन्यू ले रहे हैं तो ज़रूर टर्बो GDI पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट खरीदिए, क्योंकि इंजन लेटेस्ट है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस के साथ थोड़ा फ्रंट टू ड्राइव फैक्टर भी चाहिए तो आप इकोस्पोर्ट की इकोबूस्ट वेरिएंट खरीद सकते हैं। ये गाड़ी काफ़ी फ्रंट टू ड्राइव है, इसका इंजन भी बहुत पंची है। अगर आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक चाहिए तो हम टाटा नेक्सॉन अभी रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें AMT आता है और इंजन की ट्यूनिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आपको इकोस्पोर्ट और वेन्यू में से एक लेनी है तो ये काफ़ी टफ है चूज़ करना। वेन्यू में आपको DCT गियरबॉक्स मिलता है जो ड्यूअल क्लच यूनिट है 7 स्पीड का, और इकोस्पोर्ट में आपको एक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट मिलता है। ये दोनों गियरबॉक्स वैसे काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इकोस्पोर्ट का जो ऑटोमेटिक है वो 1.5 लीटर इंजन के साथ आता है और इसी की वजह से इसकी माइलेज थोड़ी कम हो जाती है। इन कंपैरिजन वेन्यू की ऑटोमेटिक वेरिएंट आपको बेहतर माइलेज भी देगी। अगर आपको डीजल मैनुअल गाड़ी खरीदनी है तो वैसे ये 5 गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी है। अगर आपकी प्रायोरिटी है वैल्यू फॉर मनी, कंफर्ट और फीचर्स, तो टाटा नेक्सॉन ज़रूर खरीदिए, क्योंकि ये सेगमेंट की सबसे सस्ती गाड़ी है, अच्छे फीचर्स आते हैं इसमें और माइलेज भी अच्छी देती है। अगर आप अपना बजट थोड़ा बढ़ा सकते हैं और आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो मार्केट में थोड़ी लेटेस्ट हो, ज़्यादा अच्छी दिखती हो, ज़्यादा फीचर्स हो, तो आप वेन्यू, इकोस्पोर्ट और XUV के बीच में कोई एक गाड़ी चुन सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करती हो। अगर आपको डीजल ऑटोमेटिक कार चाहिए तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचते हैं, विटा ब्रेज़ा और नेक्सॉन। हमने इन दोनों गाड़ियों को काफ़ी अच्छी तरीके से चलाया है और हमारी रिकमेंडेशन होगी मारुति की विटा ब्रेज़ा।